ऊनবিংশ शताब्दीर बांगला नाटकेर अन्यतम श्रेष्ठ रूपकार दीनबंधु मित्र। तिनि छिलेन आधुनिक नाट्यधारार प्रवर्तक माइकेल मधुसूदन दत्तेर समसामयिक। दीनबंधु मित्र अवश्य माइकेल प्रवर्तित पौराणिक बा ऐतिहासिक नाट्य रचनार पथे ना गिये बास्तवधर्मी सामाजिक नाट्य रचनाय मनोनिवेश करेन और ए धाराय तिनि हये ओठेन परवर्ती नाट्यकारदेर आदर्श। 1830 साले पश्चिमबंगेर नदिया जिलार चौबेरिया ग्रामे तिनि जन्मग्रहण करें। तार पितृप्रदत्त नाम गंधर्व नारायण। आदि बासस्थान 24 परगना जिलार बेलेनी ग्रामे। ग्राम्य पाठशालाय अध्ययन शेषे पितार प्रचेष्टाय स्थानीय जमीदारेर शेरेस्ताय मासिक 8 टाका वेतने तिनि चाकरी शुरू करें 1840 साले। किन्तु तार मध्य छिलो उच्च शिक्षा लाभेर तीव्र वासना। ताई 5 बछर चाकरी करार पर पितार अमतेई गोपने तिनि चले जान कलकाता। सेखाने पितृव्य नीलमणि मित्रेर आश्रय शुरू हय तार उच्च शिक्षा लाभेर प्राणान्त संग्राम। कलकाताय पढ़ाशोनार खरच जोगाते दीनबंधुके गृहभित्तेर काज करते हयेछे। प्रथमे तिनि रेभारेंड जेम्स लंगेर अबैतनिक स्कुले भर्ती हन एवं ए समये तिनि दीनबंधु नाम ग्रहण करें। परे तिनि भर्ती हन कलुटोला ब्रांच स्कूले। सेखान थेके जूनियर स्कलारशिप परीक्षाय पास करे तिनि हिंदू कलेजे भर्ती हन। कलेजेर सकल परीक्षाय तिनि बृत्ति लाभ करें। बांगला भाषा और साहित्ये तिनि बराबर सर्वोच्च नम्बर लाभ करें। 1854 साले दीनबंधु मित्र 150 टाका वेतने पाटनाय पोस्टमास्टर नियुक्त हन। क्रमे पदोन्नति लाभ करे ओड़िशा नदिया और ढाका विभागे एवं परे कलकातार सुपारिटेंडेंट पोस्टमास्टर नियुक्त हन। 1871 साले लुसाई युद्धेर समय दीनबंधु मित्र काछारे प्रेरित हन एवं इंग्रेजदेर विपर्यस्त जोगाजोग व्यवस्था पुनर्गठित करें। फले तार सार्बिक काजेर साफल्य विचार करे इंग्रेज सरकार ताके राय बाहादुर उपाधि दान करे। दीनबंधु मित्र ईश्वरचंद्र गुप्तेर भावशिष्य छिलेन। ईश्वरचंद्र गुप्तेर प्रेरणाय संबाद प्रभाकर पत्रिकाय कविता चर्चार मध्य दिए तिनि साहित्य जगते प्रवेश करें। दीनबंधु मित्र रचित नाटकगुलो हलो नीलदर्पण, नवीन तपस्विनी, लीलावती एवं कमले कामिनी। तार प्रहसनगुलो हलो सधबार एकादशी, बिए पागला बुड़ो एवं जामाई बारिक। दीनबंधु मित्रेर नाटक और प्रहसनगुलोके आमरा एभावे मने राखते पारी। लीलावती और नवीन तपस्विनीर बिएते नीलदर्पण निये कमल कामिनीर साथे खेते आसे। ता देखे सधबार एकादशीते बिए पागला बुड़ो जामाई बारिक प्रहसन करे। तार काव्यग्रंथ हलो सुरध्वनि काव्य, द्वादश कविता। दीनबंधु मित्रेर जमालय जीवंत मानुष उपन्यासटी बंकिमचंद्रेर बंगदर्शन पत्रिकाय 1279 बंगाब्देर कार्तिक संख्याय प्रकाशित हय। तार पोरा महेश्वर गल्पटी मध्यस्थ पत्रिकाय 1279 बंगाब्देर कार्तिक संख्याय प्रकाशित हय। दीनबंधु मित्रेर उत्सर्गकृत रचना नीलदर्पण जेटा उत्सर्ग करा हय नीलकर साहेबदेर उद्देश्ये, नवीन तपस्विनी जेटा उत्सर्ग करा हय बंकिमचंद्र चट्टोपाध्यायके, सुरध्वनि काव्य महेंद्रलाल सरकार, द्वादश कविता ईश्वरचंद्र विद्यासागर, जामाई बारिक, राजबिहारी बसु, कमले कामिनी, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय तार মৃণালিনী उपन्यासटी दीनबंधु मित्र के उत्सर्ग करें। दीनबंधु मित्र के केंद्र करे बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय दीनबंधु मित्रेर कवित्व प्रबंधटी रचना करें। बंकिमचंद्र दीनबंधु मित्र सम्पर्के बोलेछिलेन, दीनबंधु अनेक समय शिक्षित भास्कर बा चित्रकारेर न्याय जीवित आदर्श सम्मुखे राखिया चरित्रगुलो गढ़ितेन। सामाजिक वृक्षे बानर समारोह देखिलेन अमनि तुले धरिया ताहा लेज शुद्ध आँकिया दितेन। नीलदर्पण। दीनबंधु मित्रेर नीलदर्पण बांगला साहित्य श्रेष्ठ नाटक हिसाबे आजो विवेचित और समादृत। नीलकरदेर विभत्स अत्याचार और निर्यातने लांछित अपमानित देशबासी और चाषीदेर दुरवस्थार कथा निये तिनि लेखेन एई नाटक। नीलदर्पण मूलत मेहेरपुर अंचलेर काहिनी। अनेकेर मते 1860 सालेर प्रथम दिके जेम्स कार्लंग मोल्लाहाटी कानसारणे आसेन एबं एई कुटीरेर अत्याचारेर घटना नियेई दीनबंधु मित्र रचना करेन एई नाटकटी। दीनबंधु मित्र रचित प्रथम नाटक नीलदर्पण 1860 साले ढाका थेके प्रकाशित हय। एटी ढाका थेके प्रकाशित प्रथम नाटक एबं एकी साथे प्रथम ग्रंथ। नीलदर्पणई प्रथम बांगला नाटक जेटा प्रथम इंग्रेजी भाषाय अनुदित हय। नाटकटी अनामे प्रकाशित हय। सेखाने लेखा हयेछिल नीलकर विषधर दंशन कातर प्रजानिकर क्षेमंकरणे केनचित पथिकेनाभि प्रणीतं नामे श्री रामचन्द्र भौमिकेर बांगला प्रेस थेके मुद्रित हय। रामचन्द्र भौमिकेर बांगला प्रेस ढाकार प्रथम छापाखाना। माइकेल मधुसूदन दत्त 1861 साले ए नेटिव छद्मनामे नीलदर्पण नाटकेर अनुवाद करेन। अनुदित नाम नीलदर्पण बा द इंडिगो प्लांटिंग मिरर। प्रकाशक हिसाबे लंग साहेबेर नाम छिलो। बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय नीलदर्पण नाटकटी मार्किन महिला औपन्यासिक हैरिएट बेचार स्ट्रॉप प्रणीत आंकेल टॉम्स कैबिनेर साथे तुलना करेछेन। 5 अंके स्वयं सम्पूर्ण नाटक एटी। 1872 सालेर 7 डिसेम्बर जातीय रंगालये नाटकटी प्रथम अभिनीत हय। एई नाटके उट साहेबेर भूमिकाय अभिनय करेछिलेन अर्धेन्दु शेखर मुस्ताफी। तार निखुत अभिनयेर जन्य दर्शक सारिते बसे थाका विद्यासागर बुझतेई पारेननि जे एटी अभिनय हच्छे। ताई विद्यासागर इंग्रेजदेर उपर रागे और घृणाय निजेर पायेर जूतो खुले अर्धेन्दु शेखर मुस्ताफीर उपर निक्षेप करेन। अर्धेन्दु शेखर मुस्ताफी बुझते पारलेन तिनि चरित्रेर साथे एक हये जेते पेरेछेन। ताई तिनि से जूतो माथाय निये बोलेछिलेन आमार अभिनय जीवन सार्थक हलो आज, एटाई आमार जीवनेर सेरा उपहार। नीलदर्पण नाटकेर प्रधान चरित्रगुलो हलो गोलक बसु, सावित्री, नवीन माधव, बिंदु माधव, रायचरण, साधुचरण, क्षेत्रमणि, तोराप प्रमुख। नवीन तपस्विनी एक रोमांटिक नाटक। ये नाटकेर जलधर चरित्रटी शेक्सपियरेर मेरी वाइव्स ऑफ विंडसर एर फॉलस्टाफेर अनुकरणे अंकित। एर चरित्रगुलो हलो जलधर, विजय, मल्लिका, कामिनी प्रमुख। लीलावती एक मिलनात्मक नाटक। ये नाटकेर उद्देश्य सम्पर्के दीनबंधु मित्र महाकवि कालिदासेर रघुवंश थेके एक श्लोक उद्धृत करे बोलेछेन अपरिमित आयास सहकारे लीलावती नाटक प्रकटन करियाछि। लीलावती नाटकेर चरित्रगुलो हलो ललित, नदेर चाँद, हेमचाँद, लीलावती, राजलक्ष्मी प्रमुख। कमले कामिनी दीनबंधु मित्र रचित शेष नाटक एटी। 1871 साले डाक विभागेर कर्मी हये दीनबंधु मित्र मणिपुर और काछार परिभ्रमण करें। सेई अभिज्ञतार फसल एई नाटकटी। नाटकेर शुरुबाला चरित्रे बंकिमचंद्र चट्टोपाध्यायेर विमला चरित्रेर प्रभाव लक्ष्य करा जाय। एई नाटकेर उल्लेखयोग्य चरित्रगुलो हलो गांधारी, विष्णुप्रिया, सुशीला, वीरभूषण, समरकेतु, मकरकेतन प्रमुख। सधबार एकादशी दीनबंधु मित्र रचित श्रेष्ठ प्रहसन। 1868 साले सप्तमीते एमेचार थिएटारे प्रथम एई प्रहसनटी मंचस्थ हय। एई प्रहसने ऊनविंश शताब्दीर मध्यभागे कलकातार अर्धशिक्षित युव सम्प्रदायेर लाम्पट्यतार और चरित्रभ्रष्टतार काहिनी वर्णित हयेछे। नाटकटिर उल्लेखयोग्य चरित्रगुलो हलो अटल बिहारी, जीवनचंद्र, नीमचाँद, केनाराम, राममानिक्य, कुमुदिनी, सौदामिनी, गिन्नी, कांचन प्रमुख। सधबार एकादशी प्रहसने नाट्यकार गिरीश चंद्र घोष নিমচাঁদ চরিত্রে অভিনয় করেন। বিয়ে পাগলা বুড়ো মাইকেল মধুসূদন দত্তের বুড়ো শালিকের ঘাড়েরও প্রহসনের ছাপ বর্তমান আছে দীনবন্ধু মিত্রের বিয়ে পাগলা বুড়ো প্রহসনে। প্রহসনটি 2 অঙ্কে সমাপ্ত। বিবাহ বাতিকগ্রস্ত এক বৃদ্ধের নকল বিয়ের আয়োজন করে স্কুলের অকালপক্য ছেলেরা কিভাবে তাকে নাস্তানবুদ করেছিল তারই এক কৌতুক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এই প্রহসনে। এর উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হলো রাজীব লোচন, ভুবনমোহন, নাসিরাম, সুশীল প্রমুখ। জামাই বারিক এই প্রহসনে ধনী পরিবারের ঘর জামাই পোষার প্রথাকে হাসি ঠাট্টার মধ্য দিয়ে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। এর চরিত্রগুলো হলো অভয় কুমার, কামিনী, বাংলা, পদ্মলোচন, বিন্দুবাসিনী প্রমুখ। দীনবন্ধু মিত্র অতিরিক্ত পরিশ্রমে স্বাস্থ্যহানিজনিত কারণে 1873 সালের 1 নভেম্বর মাত্র 43 বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।